ऐसा यकीन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, झूठे आदमी हमारे यहाँ के, हमने भेजे हुए दिल्ली भाई, तो हमारे को पता नहीं होगा, हमारे घर का लड़का है वो। अच्छा, हमारे को पता नहीं होगा उसका? तो मतलब वोट दिया, वोट दिया, अब नहीं देंगे उसको? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। किसको देंगे? अरे कांग्रेस को देंगे भैया, आपको देंगे, पर इनको नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक पार्टी के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन इन सब के बीच देखा जा रहा है कि गुजरात चुनाव से पहले जनता बदलाव की बात कर रही है। गुजरात चुनाव से पहले जनता इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देने की बात कर रही है। जी हाँ, हमारी टीम गुजरात पहुँच चुकी है। गुजरात से लगातार हर एक पल का अपडेट दिया जा रहा है। गुजरात में इस बार किसकी सरकार बन रही है? गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों जनता का रुख आम आदमी पार्टी की तरफ दिखता नजर आ रहा है? हालांकि अपने दर्शकों को बताएं, गुजरात चुनाव से पहले जनता आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से बात कर रही है, उनका यह कहना है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें निकाल ले जाएगी। यह बहुत बड़ी बात है। गुजरात चुनाव से पहले अगर आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें निकाल ले जाती है, तो इसका साफ मतलब है कि बहुत बड़ा बदलाव गुजरात में इस बार होता नजर आ रहा है। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भरोसा यकीन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, झूठे आदमी हमारे यहाँ के, हमने भेजे हुए दिल्ली भाई, तो हमारे को पता नहीं होगा, हमारे घर का लड़का है वो। अच्छा, हमारे को पता नहीं होगा उसका? तो मतलब वोट दिया, वोट दिया, अब नहीं देंगे उसको? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। किसको देंगे आप? अरे कांग्रेस को देंगे भैया, आपको देंगे, पर इनको नहीं देंगे। कांग्रेस को देंगे? हाँ, लेकिन बीजेपी तो कह रही कांग्रेस है नहीं इस कंपटीशन में। अरे भैया जरा मार्केट में आप आओ तो खरीद, पता चलेगा ना कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, सीटें ला रहे हैं, 112 सीटें ला रही है कांग्रेस। सीएम कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए भैया, वो तो कांग्रेस नक्की करेगी। पटेल चलेगा बीजेपी में? नहीं भैया, हार्दिक पटेल बीजेपी में चलेगा भाई। हार्दिक पटेल क्या 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 बताया आपने? बिकाऊ है। बिकाऊ है मतलब बिक गए, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ कभी भी मिली जुली सरकार बने थी? हाँ। वन पार्टी नहीं बने? हाँ। जैसे बीजेपी बनती है ऐसा नहीं बने। हाँ। मिली जुली सरकार बनी थी, काम आप न कांग्रेस का बीजेपी। ये मुझे आप दर्शकों को बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये बीजेपी की सरकार जब बन रही थी कह रहे हैं भाई ईवीएम को लेके ये लोग झंझट पैदा करते हैं, कह रहे हैं धांधली हुआ है, खुलकर बताइए दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत क्या है भैया? आपके आपके घर में गैस का बाटला तो आता होगा ना? पहले कांग्रेस के राज में कितने का मिल रहा था भैया? 1100 रुपए का। अभी कितने का है? 1100 रुपए का। क्यों महंगाई? तो वो तो कह रहे हैं ना भाई, देश बदल भी तो रहा है ना। पन क्या देश बदल के क्या करोगे भैया? ये रिवर फंड बना के हमारा पेट थोड़ी बनाने के रिवर फंड से लोगों को दिखाना नहीं है? अरे भाई क्यों दिखाना है, यहाँ पे रोजी रोटी नहीं होगी, देख के आदमी करेगा? किसी जेब में पैसा नहीं होगा तो कहाँ करिए जाके क्या करेगा? क्या कर रही है? 35% फेर आ रहा है इनके हिसाब से। अच्छा, ये एक खेल है। तो मतलब ओवरऑल आप कांग्रेस की सरकार कह रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी की कह रहे हैं? नहीं, मिले जुले। अच्छा, दोनों गठबंधन कर मतलब भैया आप हमसे क्या बुलाना चाह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी चीज है, बीजेपी को वोट दे? ये बुलाना नहीं चाह रहा हूँ मैं, ये बुलाना चाह रहा हूँ सच्चाई क्या। आप कांग्रेस के बारे में तो कुछ बताओ, 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। कि सालाना कितना प्रॉफिट करती है? 3500 करोड़ रुपए की बात आप कर रहे हैं, कितने 2000 करोड़ में बेच दी भैया? पहले मैं यही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी वही कांग्रेस का ही तो पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस में है कौन? राहुल को वो पप्पू बना रहे हैं, कह रहे कोई है ही नहीं, किसको वोट देंगे? अभी जो पप्पू है ना, अभी हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा पे पप्पू निकले हुए हैं बराबर। वो पप्पू के बाद बिगर पैसे बुलाई 5-5 लाख पब्लिक आ रही है। हमारे गुजरात के अंदर मोदी जी कहीं पर आते ना, तो हमारे म्युनिसिपैलिटी के छोटे मोटे अफसर है, गटर साफ करने वाले लोग हैं ना, वो भी बस भर के उनको ले जाते हैं, वो पैसा दे के पब्लिक को बुलाते हैं। आप ही लोग कहते हैं कि मीडिया दिखाती नहीं है, तो मैं तो पूछने आया हूँ कि मोदी जी या बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, आप बताइए कहाँ खत्म हुई, कितना खत्म हुई? कोई खत्म नहीं हो, कांग्रेस तो जिंदा है, संविधान बचाने के लिए कांग्रेस हमेशा जिंदा है। गुजरात में कितना जिंदा है? अरे गुजरात में जिंदा है बिल्किस बानू से लेके हर मुद्दे पे कांग्रेस ही लड़ी है। आप प्रोटेस्ट की कहीं? खैर मोदी जी कह रहे दिखे ही नहीं मुझे। अभी 3 दिन के फुटेज देख लो ना भैया, मोरबी के अंदर हमारे वड़ा प्रधान, माननीय वड़ा प्रधान जो वर्ल्ड के वड़ा प्रधान बन के घूम रहे हैं, वो गुजरात में थे, उसके बाद भी मोदी वहाँ। कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं गुजरात? अरे भैया वो तो कांग्रेस नक्की करेगी, मैं तय करूंगा। आप लोग के जहन में होगा ना आपके एरिया की? अरे किसी को भी देव काले चोर को लाए, पर ये सरकार नहीं चाहिए हमें। चलिए मतलब बीजेपी से आजीज हो गई, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ छोटा बच्चा भी बीजेपी से परेशान है भैया। बच्चा मोदी जी को जानते हो? नहीं नहीं जानते हैं। अच्छा राहुल गांधी को? हाँ, ये आपका बना बनाया आदमी है क्या? मेरा बनाया नहीं हो भैया, छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। मोदी जी तो पूरा हिंदुस्तान देश विदेश जान रहा है ये, और आप बता रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी को नहीं जान। देखो मोदी जी ने इतने दौरे किए ना पूरे वर्ल्ड के, अब दिल का दौरा बाकी है उनका, और ये गुजरात बात आ जाएगा उनको।
चलिए एक अच्छी बात है भाई, हर जगह देखिए मोदी मोदी कहने वाले मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ग्राउंड का जो हकीकत है, इसीलिए ग्राउंड पे मैं आया हूँ। तस्वीरें अलग है, जो मैं सबसे जानता हूँ। चाचा भी मौजूद है, क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलना। आप बोलना ही नहीं है? चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलने में। एक आखिरी सवाल की तरफ रुख करता हूँ। आखिरी सवाल में ये जानते हैं कि अगर इस बार बदलाव होगा तो किसकी सरकार और कितनी सीटों पे आएगी, ये बड़ा बात है। चलिए आपसे ही शुरू कर लेते हैं, किसकी सरकार बनेगी इस बार गुजरात? मेरे को क्या पूछा? मेरे को पता ही नहीं है किसकी सरकार बनेगी। हाँ, केजरीवाल। केजरीवाल की सरकार कितनी सीटें सब? चलिए आप बता दीजिए सर, बहुत देर से बोलना, अच्छी बात है। कितनी सीटें ला रहे हैं इस बार कांग्रेस? 112 सीट पे चल रही है। हाँ, इस बार बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार बनेगी। ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर हो जाएगी ये, क्योंकि ग्राउंड के भैया आप 8 तारीख को मेरे को मिलना, मेरा नंबर लेके जाओ। हाँ। आप देख लेना, बिल्कुल टीवी पे दिख जाएगा आपको कांग्रेस की सरकार बनती। यहाँ का गुजराती से लेके मुस्लिम से लेके हर आदमी इनसे परेशान है। हाँ। केजरीवाल जी आए, नए नए आए, 12-15 सीट लाएंगे, 20 सीट लाएंगे, कांग्रेस के साथ खेल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा को साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। चलिए, इन लोगों से बात कर एक चीज़ समझ में तो आ गया कि जितना आसान ये लोग समझ रहे थे, और बीजेपी ने जो 27 सालों का अपना गुणगान गा रही है कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो सच्चाई और वो हकीकत आप यहाँ की दहलीज से आप समझ गए होंगे। यानी कि ये कि कांग्रेस और बीजेपी की जो 2017 में कॉम्पिटिशन थी वो फिर से एक बार देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के आने से थोड़ा सा सीटों का फेर बदल होगा, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, ये जनता का कहना। बहरहाल देखते हैं, 1 से 5 को ही पता चल जाएगा और 8 को पता चल जाएगा जब नतीजे आएंगे कि फाइनली सरकार किसकी बनेगी। और इस बार बीजेपी का हवा जो एक लहर कहा जा रहा है 2014 के बाद से, क्या वो बरकरार रहेगा या इस आंधी में शायद जो है वो उनका उड़ जाएगा, एक बहुत बड़ी बात है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हम अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखाते नजर आ रहे। दरअसल अभी के जो हालात है इस वक्त कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे कि गुजरात चुनाव से पहले जनता की जो राय है, जनता जिस तरह आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब है कि भाजपा का तो सफाया गुजरात से हो रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी नुकसान की स्थिति नजर आ रही है। क्या गुजरात में इस बार वाकई बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लग रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी को झटका लगने की एक बड़ी वजह यह भी कही जा रही है कि उन्होंने वहां पर काम नहीं किया, उन्होंने वहां पर मुद्दों को नहीं उठाया, अस्पताल ठीक तक नहीं किए, यानी गुजरात मॉडल पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, मोदी मॉडल पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। और कहीं ना कहीं गुजरात की जनता का यह बदलाव बताता है कि 2024 में कैसे पीएम मोदी के लिए कुर्सी खतरे में दिखती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।